विवादित और बीजेपी के निष्कासित नेता प्रीतम लोधी लगातार पिछड़े वर्ग की रैलियां कर बीजेपी और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अब उन्होंने ग्वालियर में बंदूकों के साथ अपने समर्थकों की विशाल रैली करके नई चुनौती दी है। दशहरा मिलन समारोह के नाम पर आयोजित इस दशहरा मिलन समारोह में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ शपथ दिलाई और उन्होंने कहा कि वे न अन्याय सहेंगे और न ही करेंगे। लोधी ने अपने समर्थकों का ये सशस्त्र प्रदर्शन जलालपुर के नजदीक स्थित तलवार वाले हनुमान मंदिर के पास स्थित मैदान में किया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के बैनर पर आयोजित इस आयोजन को दशहरा मिलन समारोह नाम दिया। इनमें उनके ज्यादातर समर्थक अपनी बंदूकें लेकर आए थे, जिन्हें परेड के स्टाइल में कतारबद्ध ढंग से खड़ा किया गया था। इसमें प्रीतम लोधी ने शपथ दिलाई। आपको बता दें कि प्रीतम लोधी के वायरल वीडियो में समर्थकों से कह रहे हैं कि ना हम अत्याचार करेंगे और ना ही अत्याचार देखेंगे और आखिर में उन्होंने कहा कि ना अत्याचार सहेंगे। प्रीतम सिंह लोधी के इन शब्दों के साथ कार्यक्रम में मौजूद उनके समर्थकों ने बंदूक और तलवार लहराकर अपनी सहमति दी। वहीं इस मामले को लेकर जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह से जवाब जानना चाहा तो वे सीधे सीधे जवाब देने से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जितने भी लोग प्रीतम लोधी के कहने पर हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं सभी के लाइसेंस सस्पेंड होंगे, निरस्त किए जा रहे हैं। हम उस पर आदेश पारित कर देंगे, सारे लाइसेंस भी निरस्त कर रहे हैं। कार्रवाई नाम है क्या है, जो भी पुलिस से हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जो लोग भी ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी के लाइसेंस निरस्त।